ग्वालियर में सराफा कारोबारी को संधि की फर्म का लेटरहेड लेकर पहुंचे चार ठगों ने 64 लाख रुपए का सोना ठग लिया। घटना जनकनगंज थाना क्षेत्र के दनौली की है। ठगी का पता उस समय चला जब कारोबारी के संधि ने लेटरहेड को नकली बताया। ठगी का पता चलते ही पीड़ित की शिकायत पर पुलिस ने ठगी का मामला दर्ज कर लिया है। 64 लाख वाला मामला है, धोखाधड़ी का। किस तरह से फ्रॉड हुआ है जी? ये करीब 7 तारीख को दानावली मोहल्ला के फरियादी किशन लाल जैन आके थाने में एक लिखित आवेदन प्रस्तुत किए कि वहाँ पर दीपक रनवाल, प्रखर रनवाल, संजय रनवाल, गोपाल दास और अग्रवाल सब मिल के मेरे पास पूर्व से पहले कुछ दिन पहले आए थे। मुझे 2 किलो सोने की ब्रेड बिक्री करने के, आपस में धंधा करने के लिए ले गए मेरे से, और मेरे बोले आपके रिश्तेदार को HDFC बैंक का 64 लाख का चेक भी दे गए। जब फिर मैं उस चेक को लगाया तो मेरे पैसा नहीं मिला। जब इनसे बार बार पैसा मांगने के प्रयास कर रहा था तो यार आज दे देंगे, कल दे देंगे, परसों दे देंगे। इस तरह से जब इनके द्वारा वो थक गए, उनका पैसा वापस नहीं